अस्सलाम वालेकुम। यस डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली वो बच्चे जो 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और मैथ्स का जो टॉपिक उनका रहता है, तो उस पर आज की पहली क्लास समझिए, चैप्टर 1 आपका 10th वाला। मैं पहले जो है जामिया 11th साइंस के लिए बात कर रहा हूँ। जामिया 11th साइंस एंट्रेंस में जो आता है उसमें सिर्फ 10th का सिलेबस आता है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड जीके। तो मैं आपसे मैथ्स की बात करूं। आप सब बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जब तक आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ है और जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होगा, इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो जब तक आप पेपर को अटेम्प्ट करने का अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा तो आप ये देखिए, जो मेन आपका होगा, अभी तक आपने 3 आवर्स को पेपर अटेम्प्ट करना सीखा है जिसमें नियरली 30-40 क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशली मैथ्स की बात करूँ, इस बार CBSE बोर्ड में 40 क्वेश्चंस थे, लेकिन जब आप एंट्रेंस पेपर में आते हैं तो नॉर्मली 2 आवर्स का पेपर होता है जामिया 11th साइंस का और 3 आवर्स का पेपर होता है जामिया डिप्लोमा का। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प करने हैं और 3 आवर्स में आपको 170 क्वेश्चंस अटैम्प करने हैं। तो अगर मैं एक एवरेज आपको दूं तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस यहाँ हैं और यहाँ नियरली 60 हैं। तो 1 आवर एंड 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स एंड 60 क्वेश्चंस, 1 मिनट एंड 1 क्वेश्चन। समटाइम आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में ही आपको टाइम 1 मिनट का लगेगा, जैसे इंग्लिश में आपका पैराग्राफ आ जाता है, अनसीन पैराग्राफ। तो फिर आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन से अपना टाइम सेव करना है। तो अच्छी बात ये होनी चाहिए कि 40 सेकंड्स और 1 क्वेश्चन, तो ये आपको पैटर्न तैयार करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हाउ टू, जिसे कहना चाहिए कि डेवलप द एटीट्यूड टू सॉल्व द एंट्रेंस पेपर। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं डिस्कस करी और आप एज ए सब्जेक्टिव एकेडमिक एग्जाम जैसे आप देते थे उसी तरह सोचते रहे, तो फिर भूल जाइए, चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हों, आप एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है बच्चे ये कह के निकलते हैं पेपर इजी था। ये सबका सेंटेंस होगा, मैं आप सबको कह रहा हूँ कि पेपर वाज इजी, बट जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है बस वो जिसने अच्छा बोला है उस पर एग्जाम, उस पर एंट्रेंस डिपेंड करता है कि मेरे 20 क्वेश्चन रह गए और मेरे 10 क्वेश्चन रह गए। तो किसके कितने कम क्वेश्चन रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाता है उसमें। फिर वो अलग बात है कि मैंने कितने सही करे वो भी आएगा, लेकिन पहला पार्ट तो ये है ना कि आपने कितने छोड़ दिए। तो वो तभी होगा जब आप ये चीज़ जानते हो। तो पहला चीज़ तो ये है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि ओवरव्यू एक लेना है। अगर मैं आपसे रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, आपका जो चैप्टर है 10th का रियल नंबर्स, जिसमें आप लोगों ने क्या करा है, आप लोगों ने HCF निकालना सीखा है, LCM निकालना सीखा है, आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा सीखा है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से आपने HCF निकालना सीखा है, ठीक है, आपने फंडामेंटल थियोरम ऑफ आर्थमेटिक पढ़ा है, आपने इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखा है, आपने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी सीखी है, आपने फ्रैक्शंस को, ठीक है, डेसिमल में चेंज करना सीखा है, और इसको उल्टा भी कह सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो आपको अपने पूरे चैप्टर का एक ओवरआउट लेना है, ओवरले लेना है, थोड़ा सा देखना है कि इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा है। पहली चीज़ ये आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। क्योंकि जब आप ओवरव्यू करेंगे तब आपको लगेगा कि, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो MCQs आ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो कुछ टॉपिक तो आपको एकदम से ऐसे लगेंगे कि सर इस पे MCQs नहीं बन सकता। आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आपसे कोई नहीं कहेगा रूट टू को प्रूव करो इरेशनल, जिसमें आपको टाइम लगता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सर प्रूव दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2p+1, 2p+3, तो ये नहीं होगा। तो जो आपने वहाँ सब्जेक्टिव पढ़ा है, तो मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो आपका गायब हो गया, क्योंकि अब इस पर आप ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं सकते। हाँ, अब क्या क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें से भी आपका, सर प्लीज़ फ़ोन रिसीव कर लेना। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो पोर्शन बचा उसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं प्लीज़, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को घर से बता पूछ लीजिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा मैं अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि अब अगर जब चैप्टर 1 की बात करते हैं, तो आपसे बात कर रहा है HCF LCM, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं, क्योंकि समटाइम्स आपसे पूछ सकता है, इसी पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पे जो ज़्यादा बात हो रही है वो सिर्फ नेचुरल नंबर की बात हो रही है।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ उसी पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कैसा क्वेश्चन पूछा और उसी पे जामिया ने कैसा क्वेश्चन पूछा, तो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि सिर्फ, और मैं दूसरी बात कह दूँ, आपको चैप्टर की डेप्थ में नहीं जाना है। एंट्रेंस एग्जाम्स स्पेशली स्कूल लेवल पे है, IIT IIM नहीं है कि आप कितना गहराई में इस टॉपिक में जा सकते हैं, नहीं। ये जो एग्जाम्स हैं एंट्रेंस एग्जाम जो आपके एडमिशन्स के लिए हो रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IIP यूनिवर्सिटी, ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं ये सिर्फ आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, क्योंकि आपको जब आगे कोर्स में पढ़ना है तो आप वहाँ जाके कॉप अप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो दे वॉन्ट डिटेल्ड आपके पास है, यानी डेप्थ नहीं देखते। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन, चैप्टर की इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 से, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। स्मॉलेस्ट नंबर पता है, लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर्स का नहीं पता है। आपने नेचुरल नंबर्स में डिवीजन किया हुआ पहले से ही, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कोई पूछने नहीं जा रहा है। अब यहाँ जो कैटेगराइजेशन है वो है सर, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स, एंड यहाँ पे कैटेगरी और आ जाती है कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ये हम पास है। तो अब अगर प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है जिसको आप बात भी करेंगे, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है सर डिवाइजर, कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड दैट डिवाइजर, ठीक है, या दैट फैक्टर। मैं आपसे कह रहा हूँ 6 है, देयर इज अ नंबर 6, तो 6 इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय, ठीक है सर, 1, 2, 3 एंड 6, यस आर नो। तो दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 6 एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6, तो ये हम कहते हैं। अब अगर हम नंबर्स को कुछ कैटेगराइज करें तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13, दीज आर द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अगर आप देखेंगे कि 2 किस किस से डिविजिबल है, 1 एंड 2, 3 इज डिविजिबल, 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 5, 7 इज डिविजिबल 1 एंड 7, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है। मींस दीज नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एंड द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास नंबर्स आते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर्स आपके पास हैं जैसा 4 है, द फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4, जैसे 6 है, द फैक्टर्स आर, अभी मैंने आपसे कहा 1, 2, 3 एंड 6, जैसे आपके पास 8 है, और भी कुछ ले लीजिए, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ये मत पास, ठीक है सर, बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं। अब 1 क्या होता है, अब अगर आप 1 के फैक्टर्स बताएं, 1 के फैक्टर्स आप देखेंगे इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1, ठीक है, इट हैज ओनली 1। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, हैविंग 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली 1 फैक्टर्स। तो ये 1, जब 1 फैक्टर आता है तो ना तो 2 की कैटेगरी में आ रहा है ना मोर देन 2 की कैटेगरी में आ रहा है, इट मींस द 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। तो ये मैं बस गया। तो सबसे पहले हमसे इसी की बात कर रहे हैं कि कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से कंपोजिट होते हैं, कौन से नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में होते हैं। अब यहां पे एक आपने चीज पढ़ी छोटी सी, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है कि ये क्या थ्योरम है, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहता है। हमने कहा था कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है कंपोजिट नंबर, उसको आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बस। तो इन फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया था, कुछ नहीं पूछने जा रहा है, इन फैक्टराइजेशन से आपने क्या किया था, आपने HCF निकालना सीखा था। व्हाट इज द HCF? HCF हमारे पास था हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास था, ठीक है सर। मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 6 है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि फैक्टर्स क्या हैं, तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं, इधर देख लीजिए 1, 2 एंड 4। मैं कहूं 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3 एंड 6, तो फैक्टर्स हो गए दोनों के ये। जब दो एक से ज़्यादा नंबर्स की बात कर रहे हो तो आप कहोगे दोनों में कॉमन कौन है, तो सर दोनों में कॉमन हो गया सर 1, और दोनों में बस हमारे पास यही आ रहा है, देयर मस्ट बी 2 ऑल्सो इन 6 एंड 2, तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। अब मैं आपसे कहूँ ना इनमें हाइएस्ट, अब हमारे पास 1 और 2 कॉमन आ गए, आपसे कहा जाए हाइएस्ट, तो हाइएस्ट इज 2, तो 2 इज द HCF, HCF ऑफ 4 एंड 6 इज 2, ये मेरे पास है। बट ये आपका मेथड नहीं हो सकता है कि आप इस मेथड से सीखें, भाई मैं अगर इस नंबर को बड़ा कर दूं, 40 कर दूं, 60 कर दूं, तो देयर विल बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स,
फिर आप चूज करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है ये वाली चीज, जो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था उसको हम यूज कर लेते हैं। उसको हम कैसे यूज कर लेते हैं सर? उसको हम यूज ऐसे कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और ये 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये जो हमारे पास कॉमन है इसको हम कह सकते हैं, बस जो कॉमन फैक्टर्स है उसको ले लीजिए, तो दैट इज अवर HCF। तो आप कह सकते हैं कि HCF इज ठीक है 2 × 4 × 6। बस अगर आपसे LCM की बात करता है, LCM स्टैंड करता है, आप लोग सब पढ़ चुके हो, LCM स्टैंड करता है मल्टीपल कॉमन लीस्ट, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे 4 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 4 के मल्टीपल्स होंगे इसका टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, दीज आर। 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे सर? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये तो मल्टीपल्स हो गए, इनके कॉमन बताओ। तो सर कॉमन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। सर कहीं 36 भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कहीं हमारे पास 12 के जितना भी टेबल हो सकता है, 12, 24, 36, 48, 72, ये वाले, तो दीज आर। बट आप कह रहे हो लोवेस्ट, तो लोवेस्ट विच वन इज 12, तो ये 12 इज LCM हो गया। तो LCM ऑफ 4 एंड 6 इज 12, ये हमारे पास है। अब आपको फिर अगर इस तरह से निकालेंगे तो मुश्किल होगा, वो भी आप फैक्टर से निकाल सकते हैं। तो LCM निकालने में आपको क्या करना है, कॉमन को तो एक ही बार लेना है, जो रेस्ट आपके फैक्टर्स हैं उनको भी लेना है और उनका प्रोडक्ट लेना है। तो सर ये हो गया 12। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आती है सर, कि हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 6 है, आपने क्या किया HCF निकाला और HCF आया 2, आपने क्या किया LCM निकाला और LCM आया आपका 12। तो यहाँ क्या होता है कि नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट ऑलवेज सेम होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज सेम एज फॉर HCF एंड LCM। बट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपकी NCERT में भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इट इज़ जस्ट ओनली फॉर 2 नंबर्स। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज नेवर बी इक्वल्स टू HCF एंड LCM। बाई मिस्टेक किसी के साथ हो जाए बाई डिफॉल्ट, बट फॉर नॉट फॉर ऑल नंबर्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है तो एक चीज़ आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सर हमारे पास क्या है, मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि HCF ऑफ 10 एंड 20, सपोज करो ये दिया हुआ है, इज 10, व्हाट इज LCM? तो इस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, नंबर्स आपके पास 10 आ रहा है और 20 आ रहा है, HCF आपके पास 10 आ रहा है, तो व्हाट इज LCM? तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज सेम एज HCF LCM, तो आपका LCM आ जाएगा कि LCM मेरा 20 है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए इधर देख लीजिए जरा, ये मैं आपसे कह दूं, रख दीजिए, मैं आपसे कह दूं ये हमारे पास है और आपसे आपके पास क्या हो जाए, ध्यान से देख लीजिए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, ये मेरे पास है, ठीक है। आपसे कह रहा है HCF बताओ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सॉल्व भी नहीं करेंगे या कुछ बड़ा भी नंबर ले लें, 40, 60 में आपसे कह दूँ, कोई बड़ा भी नंबर आपसे कह दें कि इसका HCF बताओ, तो HCF का मतलब है ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा भी होना चाहिए अगर इनमें से ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए कौन सा इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ओनली विच वन इज डिविजिबल, 2 सिर्फ डिवाइड, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 2 मेरा आंसर है, क्योंकि 1 कंसिडर नहीं होता HCF LCM में, 1 तो सबके लिए, ठीक है। 3 से 40 नहीं हो सकता, 6 से 40 नहीं हो सकता, ये एग्जाम्पल मेरा गलत है, बिकॉज 40 और 60 का HCF 2 नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इफ वी हैव सम नंबर्स, तो आप सॉल्यूशन से भी देख सकते हो कि मेरा फैक्टर होना चाहिए, मीन्स वो नंबर्स दोनों को डिवाइड कर रहा होना चाहिए। तो जब ये नहीं कर रहे हैं तो बस आंख बंद करके यही मेरा आंसर, तो ये आपका मेथड हो सकता है। तो जब आप इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो आप अपने उसको आंसर को इस तरह से दे सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने पढ़ा हो कि इन्फॉर्मेशन पे बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने पढ़ा होगा को प्राइम नंबर्स, डिटेल में बताऊंगा इसको, जस्ट फिलहाल तो भी ऐसे ही बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर्स कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं होते हैं, कोई से भी दो नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं जो आपस में डिवाइड ना हो, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 3 के साथ बहुत सारे नंबर्स, 5 कह सकते हो, 7 कह सकते हो, 11 कह सकते हो, ठीक है। कोई सा भी ऐसा नंबर जो आपस में, मतलब जिसको फ्रैक्शन में लिखे हैं तो वो कैंसिल ना हो। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 4/6, ये हमारे पास है, ठीक है सर। अब 4/6 अगर हमारे पास है तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो सकते हैं 2 से और 3 से, ये हमारे पास है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स में हमारे पास जो फैक्टर होता है, को प्राइम नंबर्स जो हमारे पास फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है 1 HCF, ये ध्यान रखिएगा। तो उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि भाई हमारे पास क्या था, मान लीजिए -6 and -3, -5, ये हमारे पास था, R
को प्राइम नंबर्स, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। तो सब बच्चों ने लिख दिया था यस, ऑप्शंस में था, बट आप ध्यान रखिए यहां पे इनका जो कॉमन फैक्टर है वो माइनस वन है, लेकिन कॉमन फैक्टर होना क्या चाहिए, वन। तो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। आप इसमें से अभी कुछ कैंसिल कर सकते हो, हम क्या करें, कुछ भी कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 6/5 लिखा हुआ है, अब आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ना कोई कैलकुलेशन हुआ, ना कोई आपका फॉर्मूला लगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको चैप्टर का ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए डिटेल में, डेप्थ में नहीं, कि नहीं हम बहुत सारी जो डिफरेंट बुक्स होती हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ठीक है, एस चांद, वट एवर जो भी आपके पास हैं, पी के गर्ग, आप उन्हें उठा के और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करें। एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट गो विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स, एक एक पॉइंट आपके पास। अब जैसे क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे कहा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आता है, तो उसकी थ्योरम नहीं आ सकती, लेकिन हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है, कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट, ठीक है, क्यू एंड आर, ठीक है, यूनिक इंटीजर्स, वेयर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज मोर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन बी। तो सर आपसे पूछा जा चुका है इन यूक्लिड डिवीजन लेमा, बताओ कौन सी कंडीशन होती है। आर का ही ऑप्शन लगा दिया उसने, ऐसे कर दिया, आर का ऑप्शन ऐसे कर दिया, और आपसे पूछ रहा है विच वन इज ट्रू। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, पूछा जा चुका है यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ऑप्शंस। तो आपको पता है हम क्या कह रहे हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सिर्फ इस पे क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, कोई फॉर्म, जस्ट इन्फॉर्मेशन कि यू हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूक्लिडियन लेमा और नो। तो प्लीज़ ट्राई करिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक बार बैठ के इस पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, मेरे ख्याल से 1 आवर, तो 1 आवर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। यू हैव जस्ट 15 चैप्टर्स ओनली इन 10th, मैं कहता हूँ 20 आवर्स आप लग के बैठ जाएँ, so you can collect the whole information about your chapters, इस तरह से। Thank you so much.